2024 का आगाज़ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल में हैं और ये माना जा रहा है कि 24 का वहीं से शंखनाद करेंगे। बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, शंखनाद हो चुका है और उत्तर प्रदेश को मथने का काम अब केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सही मायने में पहले तो भाजपा हवा हवाई नारों से, हवा हवाई वादों से काम चला लेती थी, लेकिन अब 9 साल हो गए हैं। 9 साल में भाजपा सरकार का लेखा जोखा जनता के सामने आ गया है। आज पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। भाजपा सरकार के आते ही सारी सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं। महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है। आज महंगाई का आलम यह है कि भाजपा सरकार बनने के पहले जो डीजल 56 रुपये लीटर था, आज 100 के पास पहुंच गया। जो पेट्रोल 65 रुपये लीटर था, वो 100 के पार पहुंच गया। जो खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर 250 रुपये में था, वो 1200 रुपये पहुंच गया। यहाँ तक कि छोटी सी छोटी रोज़मर्रे की चीज़ों पर GST लग गई, जिसके दाम आसमान पर चढ़ गए। भाजपा सरकार ने तो बच्चों के मुंह के नवाले को भी छीनने की कोशिश की। दूध, दही, मक्खन, पनीर, मट्ठे पर भी GST लगा दी। और आज GST के नाम पर जिस तरीके से हर सामान की कीमतों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है, उसी का नतीजा महंगाई है। इसके अलावा GST की जांच के नाम पर आज लघु एवं मध्यम व्यापारियों से बड़े पैमाने पर अधिकारी धन उगाही अलग कर रहे हैं। वहीं पर लोकतंत्र की दुहाई देने वाली भाजपा आज लोकतंत्र को अजगर की तरह निगलने में लगी हुई है। विरोधी पार्टियों की जुबान पर ताला लगाने के लिए ED, CBI, इनकम टैक्स के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी असफल सरकार है जिसने सरकार चलाने की अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं कर पाई। जनता ने इनको सरकार बनाया और जनादेश इसलिए दिया था कि ये सरकार अच्छी तरह से चलावें। ये पहली ऐसी असफल सरकार है जिसने सरकारी विभागों को बेचना शुरू कर दिया। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सारे रेलवे स्टेशन देश के बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी जहां 10 लाख लोग काम करते हैं। अभी तो उन्होंने बेचने की शुरुआत की है। भूल करके भी अगर जनता गलती इनको फिर से जनादेश देती है, ये तो पूरा देश बेच डालेंगे। अभी तो इन्होंने सारे लाभ वाले सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचा है, और जबकि सारे सरकारी प्रतिष्ठान देश की जनता के गाढ़ी कमाई खून पसीने से आए हुए टैक्स से स्थापित होते हैं। आज़ादी से लेकर के अब तक जो सरकारी विभाग बने एक एक करके बेच रहे हैं। यही नहीं, जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीदें थी, उन नौजवानों की उम्मीदों का भी गला घोट रहे हैं और सरकारी नौकरियां भी खत्म कर रहे हैं। सरकारी विभागों को उद्योगपतियों के हवाले कर रहे हैं। इससे बड़ी इनकी असफलता क्या होगी। और आज पानी सर के ऊपर चढ़ गया है। भाजपा के सारे काले कारनामे एक एक करके बाहर आ रहे हैं, और यही कारण है कि अब भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? PDA चिल्ला रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये विपक्ष डीरेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तमाम लोग यही बात को कह रहे हैं, DC कह रहे हैं कि डीरेल हो चुकी है विपक्ष और इसलिए PDA बना रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। देखिए, अब डबल इंजन की सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार, जब तक डबल इंजन रहे तब तो डबल इंजन का सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था,
जब ट्रिपल इंजन की बात करने लगे तो तीन तीन ट्रेनें इकट्ठा लड़ करके हजारों लोग उसमें हताहत हुए थे, कई सौ लोग उसमें जान से हाथ धोए थे। और जैसे ही ये डबल ट्रिपल इंजन की बात करते हैं वैसे ही भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत भी हो गई है। इनके हाथ से हिमाचल निकल गया, कर्नाटक निकल गया, और अब बारी है इनके हाथ से एक एक प्रदेशों की सरकार जाएगी। और जब पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो पार्लियामेंट में भी इनका सुपड़ा साफ होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई होना तय है। ये सिर के बल खड़े हो जाएं, प्रचार की शुरुआत कहीं से भी कर लें, अब इनके बुरे दिन आने वाले हैं। पीडीए कर पाएगा मुकाबला उत्तर प्रदेश में कि नहीं कर पाएगा? देखिए, जब जब जनमत सरकार के खिलाफ होता है सरकार का सुपड़ा साफ होता है। आज इनकी असफलताएं जनता के सामने आ गई हैं, इनकी हवाबाजी घोषणाएं का पोल खुल गया है। डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए है। आज नौजवान हो, आम जनता हो, यहाँ तक कि गरीब मजदूर किसान हो और व्यापारी हो, सभी इनके काले कारनामों से परेशान हैं, पीड़ित हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब बीजेपी के खिलाफ आंधी चलेगी, पीडीए भी इनको धूल चटाएगी और जो विपक्षी एकता होने जा रही है बचा खुचा अंत में वो इनकी ताबूत में अंतिम कील ठोकेगी। राहुल गांधी को सज़ा हुई थी, हाईकोर्ट गए, सोचा बहाल हो जाएंगे, लेकिन अभी वहाँ से भी राहत नहीं मिली है उनको और ये माना जा रहा है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 2024। बहरहाल अभी न्याय की अंतिम उम्मीद माननीय सर्वोच्च न्यायालय से है। आशावादी लोग कभी निराश नहीं होते हैं। माननीय उच्च न्यायालय से न्याय नहीं मिला तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलने की पूरी उम्मीदें अभी बनी। आज एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, दयाशंकर सिंह, उन्होंने कहा कि 14 में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हमारे पास आए, 17 में आए, 19 में आए, 22 में आए और 24 में बड़े नेताओं की संख्या जो पाइपलाइन में है, अब की जो है वो समाजवादी पार्टी के कई नेता शामिल होने जा रहे हैं। अब जो पाइपलाइन में है और जो भाजपा में पहले से हैं उनका तो दुर्गति होना ही है, सुपड़ा साफ होना ही है। पाइप लाइन वाले पाइप में रहते रहते ही उनकी सांस ऊपर नीचे होगी। अगर भला चाहेंगे तो वापस जो जहां है वहां बने रहेंगे, अगर भाजपा के साथ अपनी विदाई चाहेंगे तो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। आप भी आशंकित हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट हो सकती है क्या? देखिए, जब लोकतंत्र में लोग कीमत लगाने के लिए उतारू हो सकते हैं और कुछ लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमज़ोर करने की लगातार चालें चल रहे हैं, पार्टियों को तोलने के लिए बड़े पैमाने पर पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से बहुत से ऐसे लालची हैं जो लालच में आकर के लोकतंत्र के साथ घिनौना मजाक करते हैं। लेकिन शायद उनको ये नहीं भूलना चाहिए, ऐसे लोगों को जनता हमेशा सबक सिखाने के लिए भी तैयार रहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज जुमे की नमाज में मस्जिदों से ऐलान किया गया कि इसका विरोध करिए और तमाम जगहों पर इस बात की अपील की गई थी कि खुतबे में कहा गया कि सारे जितनी भी जुमे की मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं वहाँ पे इसका विरोध किया जाए। आज लखनऊ में भी इसका विरोध हुआ है, तो इस विरोध को कैसा मानते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के UCC लागू करने के पहले जब तक सभी पंथ सभी धर्म के लोगों के साथ बैठक करके आम राय नहीं लेते हैं तब तक लागू करना बेमानी है। अगर सरकार की नीयत साफ है तो पहले इस एजेंडे के तहत किन किन मुद्दों पर क्या निर्णय लेना चाहती है उसको सार्वजनिक करें और सभी पंथ धर्म साथ ही साथ हर प्रदेशों की अलग अलग उनके अपने कार्यशैली है, वेशभूषा है, पहनावा है, सामाजिक संस्कारों का प्रचलन है, सबसे बैठ करके सबकी सहमति लेकर के
लागू करेंगे तो बात बनेगी, और अगर सबकी सहमति नहीं लेंगे, मनमाना करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये केवल हंसी मजाक का पात्र बन जाएगा, कभी जमीनी अमली जामा नहीं ले पाएगा। पेशाब कांड में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने पैर धोए, पैर छुए और माफ़ी भी मांगी वहाँ पर। आप बड़ा पुरजोर विरोध कर रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो पैर पे गिर गए और पैर उसके धोए। यही लोकतंत्र है और यही वोट की कीमत कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीधी पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी नौजवान का पैर धोना पड़ा, 13 लाख की क्षमा याचना मांगनी पड़ी, क्योंकि डर है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सारे दलित आदिवासी पिछड़े मिलकर कहीं बीजेपी का सुप्रा साफ कर दें। इसलिए आज आरती भी उतार रहे हैं, क्षमा याचना भी मांग रहे हैं, पैर भी पखार रहे हैं, चंदन भी लगा रहे हैं, और धन्य है हमारा भारतीय संविधान, धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, धन्य है हमारा लोकतंत्र, और धन्य है वो आदिवासी पीड़ित व्यक्ति की आदिवासी पत्नी बहन जिसने माननीय मुख्यमंत्री के आर्थिक सहायता देने पर प्रतिकार करते हुए कहा कि हमका पैसा वैसा ना चाहिए, हमका चाहिए हमार आदमी। तो स्वाभाविक रूप से ये बड़ी बात है कि इतने परिस्थितियों के बावजूद भी आदिवासी महिला का स्वाभिमान और सम्मान न डिगा है न गिरा है, सिर ऊंचा उठा करके कहा है कि हमें पैसे कोई लालच नहीं है, हमारा आदमी चाहिए, हमारा सम्मान चाहिए। क्या दिल से उन्होंने सम्मान नहीं किया उस आदिवासी का शिवराज सिंह चौहान ने? आप ये कहना चाह रहे हैं वोट बैंक की बात कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से ये वोट बैंक का डर है, आगामी विधानसभा चुनाव नहीं होता तो स्वाभाविक रूप से ये नौबत माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं आती। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुना, उन्होंने कहा कि चुनाव का चूंकि डर है इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी व्यक्ति के जो है वो पैर छुए हैं, नहीं तो इस तरह का वो काम नहीं करते। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।